महिंद्रा का ऐसा प्रोडक्ट जो टोटल पैकेज है। क्या आपको चाहिए एक ऐसी गाड़ी जिसमें वो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल इंजन और गो एनीवेयर कैपेबिलिटी, जो आप सड़क पे जाएं तो आपका बहुकाल भी बना। तो ये है महिंद्रा थार, जो आती है प्रॉपर 4x4 सिस्टम के साथ, प्लस इट हैज़ अ लैडर ऑन फ्रेम चेसी, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम SUVs दैट वी सी नाउडेज। लेकिन सक्षम ने जो चीज़ कही वो सेम चीज़ करती है स्कॉर्पियो एन, विद सीटिंग फॉर 5 पीपल कंफर्टेबली और एक्स्ट्रा बूट स्पेस के साथ। और आखिर महिंद्रा ने भी तो इसे नाम बिग डैडी ऑफ SUVs का है। तो आइए चेक करते हैं कौन है द रियल बिग डैडी। तो जो हमारे पास थार है ये 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिसकी आज के डेट में प्राइस करीब करीब 20 लाख पड़ता है। अपनी स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसकी प्राइस 29 अगर मैं राउंड फिगर बताऊं तो 30 लाख पड़ता है। अच्छा, दोनों गाड़ियां लेडर ऑन फ्रेम चेसी पे बेस्ड हैं, जिससे कि दोनों बहुत ही ज़्यादा रगेड और इंडेस्ट्रक्टेबल फील देती हैं। दोनों 4x4 हैं, दोनों का 4x4 सिस्टम विद लो गियर्स हमें मिलता है, विद मैकेनिकल लॉक इन डिफरेंशियल भी दोनों गाड़ियाँ मिलती हैं। प्लस दोनों गाड़ियों के टायर साइज सेम है, जो कि है 255/65 R18। अब बात करते हैं गाड़ियों के इंजन की। तो दोनों का इंजन सेम है, एमहॉक डीजल इंजन, लेकिन थार का डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है 130 horsepower, 300 Nm टॉर्क। वहीं उस इंजन को स्कॉर्पियो के बड़े साइज और वेट को कंपनसेट करने के लिए 172 ब्रेक हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ट्यून करा गया है। अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर स्टाइलिंग की। तो दोनों ही गाड़ियों को महिंद्रा ने बहुत हैंडसमली डिज़ाइन किया है, लेकिन स्कॉर्पियो रेयर एंड में थार से थोड़ा पीछे रह जाती है। बट स्कॉर्पियो के जो मॉडर्न एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ऑल LED लाइटिंग सेटअप, सिक्वेंशियल मैट्रिक्स LED इंडिकेटर्स और डायमंड कट अलॉय व्हील्स, उसे एक बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो का 10 लाख रुपए महंगा प्राइस डिफरेंस क्लियर है। हमें थार में अच्छे इंटीरियर मिलते हैं, जो कि रगेड हैं, फंक्शनल हैं। हमें 7 इंच का LCD इंफोटेनमेंट भी मिलता है और पार्शियल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। लेकिन बात करें स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो में हमें फुल LED 8 इंच का इंफोटेनमेंट मिलता है, जो कि थार से एक फुल जनरेशन अहेड है। वहीं पर हमारा डिजिटल स्पीडो जो है स्कॉर्पियो में, वो भी थार से कहीं ज़्यादा बेटर है, जो कि हमें मैप वगैरह भी दिखाता है और वो भी फुल LED यूनिट। अब बात करें और जगह जहाँ स्कॉर्पियो बेटर है, तो वो है इसके डुअल टोन इंटीरियर, बेटर फिट एंड फिनिश, एक आर्मरेस्ट जो कि आयरोनिकली हमें थार में नहीं मिलता है, और इवन हमें इसके इंफोटेनमेंट में एलेक्सा और इंटरनेट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो आइए अब करते हैं कुछ फन टेस्ट और देखते हैं कौन सी गाड़ी कितनी कैपेबल है। तो इन गाड़ियों की टेस्टिंग स्टार्ट करी हमने ऑन रोड से। सबसे पहले हमने खरी एक ड्रैग रेस, जिसमें स्कॉर्पियो ने बहुत इजीली थार को बीट कर दिया अपनी पावर एडवांटेज की वजह से। और फिर हमने थोड़े बहुत गाड़ियों के ऑन रोड ड्राइविंग डायनामिक्स टेस्ट करे, जिसमें अगेन स्कॉर्पियो ज़्यादा स्टेबल और मैच्योर थी। बट हाँ, स्कॉर्पियो का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, या मैं कहूँ महिंद्रा का किसी भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में, इन गियर एक्सेलरेशन में थोड़ा लैग आता है, जो मैनुअल गियर बॉक्स सॉल्व कर देता है। फिर हम आ गए ऑफ रोड टेस्ट पे। सबसे पहले हमने एक ग्रेवल पाथ पे गाड़ियों को टेस्ट करा, जितना हम मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकते थे बिफोर अ सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, स्कॉर्पियो में हम हायर स्पीड जो की थी 80 करीब की, वो अचीव कर पाए, और वहीं थार में हम 75 अचीव कर पाए, क्योंकि वो गाड़ी अनसेटलिंग रोड्स पे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई। लेकिन फिर उसके बाद हमने करा 0 to 60 to 0, तो इसमें गाड़ी को पहले 0 to 60 तक जाना था, फिर 0 पे आना था। जब हमने ये टेस्ट करा, तो जैसे मैंने आपको बताया, थार के लाइट वेट और उसके गियर में लैग ना होने की वजह से थार और स्कॉर्पियो की परफॉर्मेंस में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। आप देखेंगे कुछ ही सेंटीमीटर्स का अंतर है, और दोनों गाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म करा। दूसरी बात, ऑफ रोड टेरेन में एक थार को एडवांटेज इस बात का भी मिलता है कि उसके जो टायर हैं वो ऑल टेरेन है, और वहीं हमारी स्कॉर्पियो के टायर हाईवे टेरेन है। फिर हमने किया प्रॉपर ऑफ रोड टेस्ट, जिसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि थार के अप्रोच, डिपार्चर और ब्रेक ओवर एंगल्स तीनों स्कॉर्पियो से बेटर हैं, और साथ ही थार की ज़्यादा ऑफ रोड बायस सस्पेंशन और चैसी उसे स्कॉर्पियो से बेटर ऑफ रोडर बनाता है। रफ रोड्स पे उसका लाइट वेट इसे ज़्यादा एग्रेसिवली ड्राइव करने में कॉन्फिडेंस भी देता है। जल्दी से बात करते हैं 5 चीज़ों के बारे में जो थार स्कॉर्पियो एन से बेटर करती है। सबसे पहली चीज़, तो थार लुक्स वे कूलर देन स्कॉर्पियो एन। दूसरी बात, थार एक बहुत ही बेटर ऑफ रोडर है स्कॉर्पियो एन से। तीसरी चीज़, थार का जो आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशन सपोर्ट है वो भी बहुत बेटर है स्कॉर्पियो एन से। चौथी बात, थार आपको
वही इंडस्ट्रक्टेबिलिटी और वही रोड प्रेजेंस देती है एट अ वेरी लेसर प्राइस। और पांचवी चीज़, थार के इंटीरियर्स रगेड और फंक्शनल होने के साथ साथ वाटरप्रूफ भी हैं। तो चलिए पांच चीज़ें बताता हूँ जो स्कॉर्पियो एंड थार ज़्यादा बेटर करती है। पहला, थार बेशक कूल लगती है लेकिन स्कॉर्पियो एंड ज़्यादा मैच्योर और प्रीमियम है। दूसरा, इसके जो इंटीरियर्स हैं वो डिज़ाइन के टर्म में थार से लीप अहेड है। तीसरी चीज़, जितनी आपको ऑफ रोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी उससे कहीं ज़्यादा ये कर सकती है, एक्सट्रीम नहीं लेकिन आपको जितनी नॉर्मल ऑफ रोडिंग चाहिए उससे ज़्यादा ये कर सकती है विद केयरिंग फाइव पीपल। उसके बाद बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं डिजिटल एज फीचर्स जो कि थार के फीचर से काफ़ी ज़्यादा आ गए। और लास्ट चीज़, इस गाड़ी के ऑन रोड मैनर्स थार से काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ वो गाड़ी हाई स्पीड पर अनस्टेबल हो जाती है ये गाड़ी 160 तक भी रोड से चिपक सकती है। ये अब बात करते हैं वर्डिंग, तो महिंद्रा ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को जितना डिफरेंटली बिल्ड करा है इंडियन सिनेरियो में दोनों उतनी ही सिमिलर हो जाती है। दोनों ही आपको एक इंडस्ट्रक्टेबल फील देती हैं, बैड रोड के ऊपर कॉन्फिडेंस देती है और सबसे ज़्यादा एक अच्छी रोड प्रेजेंस और भोकाल देती है। स्कॉर्पियो हमारी ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है, ज़्यादा फीचर्स भी हैं, ज़्यादा मैच्योर भी है, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख ज़्यादा देना पड़ता है। वहीं बात करें अपनी थार की, तो भाई थार तो थार है, इसका जो वाव फैक्टर है और जो कस्टमाइजेशन सपोर्ट है वो अब भी अनमैच्ड है। भाई कोई ऐसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए जो इसकी प्रैक्टिकलिटी और इसका वाव फैक्टर और डिज़ाइन मिक्स कर दे, होनी तो चाहिए। आपके फादर आए हैं।